हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम जाट। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप यूट्यूब पर प्रॉपर तरीके से अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपको उसका टाइटल किस तरीके से लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है और उसमें किस तरीके से टैग लगाने हैं ताकि आपका वीडियो ठीक से रैंक करे। ये सारी बातें हम आज के इस पूरे वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ आगे के वीडियो के लिए। हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या स्टेप करनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर में जाना है और वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो कि आप अपलोड करने वाले हैं, और उसका करना है रीनेम। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट के फोल्डर में आता हूँ और यहाँ से फाइल सेलेक्ट करता हूँ और इसका रीनेम करना है। रीनेम में मैं यहाँ पे ई रूपी ही रहने देता हूँ और यहाँ पे कुछ लगा के ओके पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको जाना है सीधा अपने यूट्यूब ऐप पर और इस पर आप अपना अकाउंट लॉगिन कर ले, जो भी चैनल है उसको लॉगिन कर ले। चैनल को लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है जो कि है अपलोड का ऑप्शन, और यहाँ से आप अपने वीडियो को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रेस कीजिए। नेक्स्ट दबाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने वीडियो का टाइटल लगाना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं हमारे नोटपैड की तरफ। तो यहाँ से मैं अपना कीबोर्ड का ऐप ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपने जो टाइटल है या डिस्क्रिप्शन या टैग आपने जो लिख रखे हैं यहाँ से उनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सीधा कॉपी पेस्ट करना है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से हम कॉपी करते हैं और हमारे जो वीडियो का टाइटल है उसके अंदर इसको हम कर देते हैं पेस्ट। इस तरीके से आपको उसका टाइटल लिखना है, इस तरीके का जो ये चिन्ह है ये वाला लगा के इसे आप हैशटैग लगा के उसमें टैग भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आपको उसमें ऐड करना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पेस्ट कीजिए वही टाइटल। उसके बाद आप यहाँ पे बीच में अपना जो भी लिंक है वगैरह है जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, और उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे 3 या 5 जो आपके हैशटैग है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ रूपी, इसके अलावा एक हैशटैग है वो मैं लगा लेता हूँ ई रूपी, इसके अलावा जो भी आप हैशटैग लगाना चाहिए वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अनलिस्टेड पे ही ऑप्शन को चूज करना है। जब आप पब्लिक अनलिस्टेड का अर्थ है कि अगर आपका वीडियो किसी को लिंक के थ्रू सेंड किया जाता है तो ही वो देख सकता है फिलहाल, और कोई ही नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे आप अनलिस्ट रहने दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आइए आगे वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन चूज करने के लिए कहेगा, दो में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। पहला है कि ये बच्चों के लिए बना हुआ है या दूसरा है नहीं ये किड्स के लिए नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर हम यस कर देते हैं तो ये बच्चों के पास भी कंटेंट चला जाएगा, तो उसमें फिर वो बड़ों के पास नहीं जाएगा और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बड़े ही है, तो आप बड़े ही रहने दीजिए यहाँ पे आपको, ठीक है। इसके अलावा आप एज रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं, 18 ऊपर से के ऊपर वाले लोग ही इसको देख सकते हैं, तो आप वहाँ उस चीज़ को भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन लगानी है, तो लोकेशन आप जो चाहे लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे इंडिया लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया लगा दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट सेलेक्ट करनी है। प्लेलिस्ट के अंदर हम लगाने वाले हैं यहाँ पे टैग अपडेट, जो भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, और ये वीडियो है वो बिल्कुल अपलोड हो रहा है सही तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है यूट्यूब स्टूडियो। तो यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड कर लेने के बाद आपको उस ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप YouTube Studio ऐप को ओपन करेंगे उसके बाद जो अभी वीडियो आपने अभी अपलोड किया है वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ये वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया है तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करिए और इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जो भी आपके टैग है चाहे वो ई रूपी हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा ई रूपी क्या होता है आपने ये भी फिर से सेलेक्ट किया। इसके अलावा आपको क्या करना है, और जो जितने भी आपके ऐड है कम से कम ऐड की संख्या होनी चाहिए आपके पास, 10 से 15 ऐड आपको यहाँ पे लगाने हैं, वो भी अच्छे अच्छे चूज करके जिनकी अच्छी खासी टारगेट ऑडियंस हो। सारे यहाँ पे टैग लगाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एडवांस सेटिंग में। तो अगर आप यहाँ पे कमेंट बंद करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
हेलो एम्बेडिंग, इनको भी आप यूज कर सकते हैं फंक्शन को। इसके अलावा आपको जाना है यहाँ पे, ये एडिट का बटन दिख रहा है, यहाँ पर जाने के बाद आप इसकी थंबनेल सेट कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि एक अच्छा सा थंबनेल कैसे बनाया जाता है तो उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं जो कि ये बताएगा आपको कि किस तरीके से आपको एक अच्छी थंबनेल बनानी है। उसके बाद आप यहाँ पे चल के हम जो हमारी कस्टम थंबनेल है वो चूज कर लेते हैं जो भी आपने बनाई है। तो इस वीडियो के लिए जो हमने थंबनेल बनाई है वो है ये वाली, यहाँ से हमने थंबनेल चूज की है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप जो आपका पेंडिंग था अनलिस्टेड में था उसको आप कर दीजिए अब पब्लिक, और पब्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेव के बटन पे जाइए और आपका वीडियो बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल सटीक तरीके से अपलोड हो चुका है और ये भी पब्लिक में भी जा चुका है ताकि कोई भी इन कीवर्ड्स पे सर्च करता है तो आपका वीडियो पब्लिक सर्च में भी अवेलेबल होगा। तो ये था वो पूरा मेथड जिसका यूज करके आप अपने यूट्यूब वीडियो को अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो इस तरीके से यूट्यूब पर आप अपने वीडियो को अपलोड कर पाएंगे काफ़ी आसान तरीके से अपने स्मार्टफोन का यूज करते हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।